सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र के कोचिला ग्राम से सीता नामक महिला से 70 नग रेक्टो सेजिक इंजेक्शन व 50 नग एवी इंजेक्शन बरामद किया गया। नशीली इंजेक्शन रखने संबंधित कोई दस्तावेज वो प्रस्तुत न करने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पटना थाना प्रभारी लगातार नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखे हैं। पिछले दिनों ही 3 क्विंटल गांजा भी पकड़ा गया था। आपको बता दें कि कोरिया जिले के पटना थाना अंतर्गत ग्राम कोचिला व छिंदिगा अवैध नशीली दवाई का गढ़ माना जाता है। आए दिन प्रतिमा कार्रवाई की जाती है, फिर भी यह जहर रूपी व्यापार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोयलांचल नगरी कोरिया के आसपास चारों ओर कालरी के नई युवा पीढ़ी इस धंधे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अपने नशीली दवा इंजेक्शन में पुरुष को अवैध कारोबार करते सुना होगा, लेकिन यहाँ पर सीतागिरी नामक एक महिला इस कारोबार में पकड़ी गई है। यह कोई पहली बार नहीं बल्कि इसके पूर्व भी अवैध नशीली दवा बिक्री पर कार्रवाई की जा चुकी है। आज फिर एक अवैध नशीले दवाइयों के विरुद्ध अभियान के तहत सीतागिरी 70 नग रेक्सो जेसिक इंजेक्शन व 50 नग एविल इंजेक्शन के साथ पटना पुलिस गिरफ्तार कर ली है। एनपीडीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कोरिया से राजू खान की रिपोर्ट। देखिए, अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पूरे कोरिया जिले में नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तारतम्य में कल दिनांक 7/1/2020 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कोचिला छिंदिया की रहने वाली महिला सीतागिरी पति चंद्रिका गिरी बड़े पैमाने पर सामान लेकर के और नशीली दवाइयां, नशीली इंजेक्शन और दवाइयां लेकर के और उसको बिक्री के लिए अपने घर में रखी है। सूचना पर कल रेड करके ग्राम कोचिला से सीतागिरी पति चंद्रिका गिरी निवासी कोचिला थाना पटना को कब्जे में लेकर के और उसके पास से एविल इंजेक्शन के 50 नग और रेसो जैसिक इंजेक्शन जो कि प्रतिबंधित दवाई है उसके 70 नग कुल 120 नग एम्पुल जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20,000 रुपये है और उसके विरुद्ध धारा 22 सी एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है।